अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज की जो रेसिपी है तो वो मैंने हाफ जो है वो अम्मी के किचन में शूट की थी ऊपर, और हाफ जो है जो नीचे मेरा किचन है वहाँ पर शूट की थी। तो जी, यहाँ पर जो है मैं बनाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल के ब्रेड पकौड़ा, और बहुत ही यम्मी से जो है ये ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हुआ था। और ये जो है इसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा ही बने थे जिसमें कंट्रीब्यूशन था आनी और अम्मी वगैरह का, तो सब ने एक साथ ही बना लिए थे। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स दी हैं तो जिसमें है शिमला मिर्च, बंद गोभी और हरा धनिया, और यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू और चिकन जो है वो मैंने आलू और चिकन को जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था और उसके रैशर कर लिए थे चिकन के। और यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से आलू को जो है वो मैश कर लिया था थोड़ा मैशर की मदद से, और थोड़ा सा जो है अपने हाथों की मदद से जो है इसे अच्छे से जो है, और इसके जो पीसेस थे मोटे वाले वो जो है अच्छे से हाथ से ख़त्म हो जाते हैं, तो वो मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद इसमें चिकन भी जो है मैंने शामिल कर दी थी, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जो तमाम वेजिटेबल्स जैसे मैंने बताया शिमला मिर्च, हरा धनिया और जो है हमारी बंद गोभी वगैरह जो है वो मैंने कट करके पहले से रखी थी, तो यहाँ पर वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दी है और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ जो है इसमें जो स्पाइसेस इसमें ऐड हुए थे वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए थे जिसमें था हमारा टिक्का मसाला, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब जो है टिक्का मसाला लिया था, थोड़ा सा बाद में भी डाला था मैंने इसके अंदर। तो क्वांटिटी ज़्यादा थी इसलिए जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सारे मसाले यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और नॉर्मल सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाइट सिरका और जो है सोया सॉस भी इसमें ऐड किया था, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बार बार टेस्ट के अकॉर्डिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो अगर आप कम बना रहे हैं तो उस तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को आप कम अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से जो है तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और यहाँ पर ही मैंने सिरका ऐड किया था और सोया सॉस भी। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ही करी थी और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है हमने ब्रेड ले ली थी एक बिग साइज़ की, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो उससे पहले जो है हमने एक बैटर तैयार किया था, तो यहाँ पर मैंने 2 कप जो है बेसन ले लिया था और 1 नहीं 1.5 कप लिया था मैंने मैदा, और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया था, और यहाँ पर 1 अंडा ले लिया था। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून जो है यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया था, और यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया था मैंने यहाँ पर, और थोड़ा सा सोडा। तो यही जो है इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, और उसके बाद इसके अंदर जो है पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसके बाद जो है इसके अंदर वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा थिक सा जो है हमें ये बैटर बनाना है, और ज़्यादा जो है थिक भी नहीं हमें करना है, बस थोड़ा सा थिक करना है क्योंकि हमें इसको थोड़ा नॉर्मल रखना है, जैसे लिक्विड फॉर्म में रखना है। तो उससे पहले मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से और स्पून की मदद से भी मिक्स कर लिया था। ये कुछ ज़्यादा लिक्विड वाला हो रहा था तो मैंने इसके अंदर बाद में थोड़ा सा और जो है बेसन ऐड किया था, तो उससे ये थिक हो गया था। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली थी, उसके साइड के पीसेस आप बिल्कुल भी हटाइएगा नहीं, वो क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। और उसी में जो मैंने यहाँ पर स्टफिंग तैयार की थी वो इसके अंदर मैंने लगा दी, और इस तरीके से दूसरा हमारा ब्रेड का पीस रख के इसके ऊपर, और बीच से मैंने इसको ट्राइंगल कट कर लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो है जैसे मैंने बताया कि क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ज़्यादा रखी थी, और इस शेप में भी मैंने कट किए थे और ट्रायंगल शेप में भी मैंने कट कर लिए थे। तो जी, आ गई हूँ अब मैं अपने किचन में। तो यहाँ पर जो है बैटर जो तैयार किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले है ना कम लग रहा था मुझे, तो मैंने इसके अंदर बेसन और ऐड किया था, और इस तरीके से हमने इसे फुल डिप कर लेना है और इसे डीप फ्राई करना है।
इस तरीके से, और बहुत अच्छे से जो है हमें इसको फ्राई कर लेना है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के। जो है हम मार्केट वगैरह में अक्सर जाते हैं तो हम लोग जो है ये परचेज़ करके जो है वहाँ पर इंजॉय करते हैं, और यही जो है हम अपने घर में भी इसको अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से इसे घर में भी बना सकते हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे की रेसिपीज़ और व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने अच्छे से जो है वो फ्राई कर लिया था, और इस तरीके से फ्राई होने के बाद जो है मैंने इसका तमाम ऑयल जो है वो हटा दिया था इसके ऊपर से, और इसे टिशू के उसमें बाउल में रख दिया था। और यहाँ पर दूसरे शेप वाले भी जो है मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसको भी जो है वो निकाल लिया था अच्छे से फ्राई होने के बाद। तो जी ज़रूर आप अपने घरों में ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आप लोगों के बहुत कम कमेंट्स आते हैं, प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इसी के साथ जो है हमारे बनके तैयार हो चुके हैं ज़बरदस्त से स्ट्रीट स्टाइल के ब्रेड पकोड़ा। तो ये रेसिपी आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए थैंक यू, सपोर्ट के लिए भी थैंक यू। इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।